नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, अगर आप बप्पा को घर लाना चाहते हैं तो ये 7 नियम जरूर जान लें। अगर आपको इन नियमों का आपको पता होगा, आप इस नियम के अनुसार ही सभी कार्य करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। गणेश चतुर्थी के दिन घर में गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन मूर्ति स्थापना के कई नियम होते हैं जिनका पालन ना करने से साधक को पाप लगता है। चलिए जानते हैं भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से जुड़े नियमों के बारे में। किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की उपासना की जाती है, क्योंकि गणपति बप्पा को सभी देवी देवताओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि जो लोग गणेश भगवान की नियमित रूप से पूजा करते हैं उनके घर में सदा खुशहाली बनी रहती है, इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में लोगों के लिए गणपति बप्पा को समर्पित गणेश चतुर्थी के पर्व का भी खास महत्व है। गणेश चतुर्थी का आरंभ भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होता है, जिसका समापन अनंत चतुर्थी के दिन होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा और 17 सितंबर को अनंत चतुर्थी के दिन त्यौहार का समापन होगा। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं और 10 दिन तक उनकी पूजा करने के बाद विसर्जन करते हैं। हालांकि गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना करने से जुड़े कई नियम होते हैं, यदि व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका दुष्प्रभाव भी उन्हें झेलना पड़ता है। चलिए जानते हैं वास्तुशास्त्र में बताए गए मूर्ति स्थापना के मुख्य 7 नियमों के बारे में। किस दिशा में स्थापित करनी चाहिए मूर्ति? वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान गणपति की मूर्ति को घर में हमेशा ईशान कोण यानी के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा मूर्ति को ऐसे स्थापित करें कि उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। ये दिशा मूर्ति स्थापन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। स्थापित करने के बाद मूर्ति को नहीं हिलाना चाहिए। मूर्ति विसर्जन से पहले भगवान गणेश की मूर्ति को अपनी जगह से नहीं हटाना चाहिए। यदि आप मूर्ति को बार बार उसकी जगह से हटाते हैं तो इससे आपको पाप लगता है। कैसी मूर्ति घर लाना शुभ है? वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश चतुर्थी के दौरान घर में गणेश जी की बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। गणेश जी की खड़ी हुई मुद्रा वाली प्रतिमा को घर में लगाना अशुभ माना जाता है। हालांकि ऐसी प्रतिमा आप ऑफिस या कार्यस्थल की डेस्क पर रख सकते हैं। किस रंग की मूर्ति होती है शुभ? शास्त्रों में बताया गया है कि सिंदूरी और सफ़ेद रंग की गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये दोनों ही रंग जीवन में तरक्की लेकर आते हैं। सुंड किस तरफ होनी चाहिए? गणेश जी की वो ही मूर्ति घर में लानी चाहिए जिसकी सुंड उत्तर दिशा जानी के सीधी तरफ हो। गणेश जी की ऐसी मूर्ति को घर में लाने से साधक को उसकी पूजा का मनोवांछित फल प्राप्त होता है। क्रिस्टल से बनी मूर्ति घर लाना है शुभ? क्रिस्टल से बनी गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रिस्टल से बनी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली का वास होता है, साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कचरा इकट्ठा ना होने दें। यदि आप 10 दिन के लिए अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति को लेकर आए हैं तो लगातार 10 दिन तक सुबह और शाम दोनों समय गणपति बप्पा की आरती करें, उन्हें उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं, साथ ही दीप धूप अर्पित करें। उसके अलावा जिस स्थान या कमरे में आपने गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित किया है वहाँ सुबह शाम साफ सफाई करें। थोड़ा सा भी कचरा इकट्ठा ना होने दें, नहीं तो इससे आपको पाप लग सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।